राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में बच्चों के लिए नए सत्र में प्रवेश के लिए एडमिशन का दौर शुरू हो गया है, जिसके चलते प्रधानाचार्य चंद्रशेखर द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बच्चों के एडमिशन करवाई जा रही है। वहीं कोविड-19 महामारी के दौरान बच्चों के माता पिता ने बच्चों के निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों में प्रवेश करवाना शुरू कर दिया है, जिसका मुख्य कारण कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों के काम धंधे ठप होना है, जिसके चलते लोगों के द्वारा अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में अधिक से अधिक प्रवेश दिलवाया जा रहा है। वहीं स्कूल के प्राचार्य चंद्रशेखर ने बताया कि पिछले सालों के मुकाबले स्कूल में 16 जून तक प्रवेश एडमिशन 500 के करीब पहुंच गई है, जो पिछले सालों में 346 तक ही रह रही थी। वहीं उन्होंने खुशी जाहिर की है कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुजानपुर का 10वीं का परिणाम 85% रहा है, जो कि अध्यापक वर्ग की कड़ी मेहनत के कारण ही संभव हो पाया है और बच्चों को अध्यापक वर्ग के द्वारा मोबाइल के माध्यम से पढ़ाया भी गया है। उसके अध्ययन के संबंधित कोई समस्या हो तो उसका निवारण अध्यापक फोन पर ही कर रहे हैं। विभाग के आदेश के अनुसार अगर विभाग कहता है कि अभी एडमिशन जारी रखी जाए या 30 जून तक जो है एडमिशन कर दी जाए, तो उस हिसाब से जैसे क्योंकि मैट्रिक का रिजल्ट निकला हुआ है तो उसमें कहा गया है कि 24 तारीख तक जो है वो बच्चों की जो एडमिशन है प्लस वन में उसको रेगुलराइज किया जाए, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है। बाकी जो है अभी जो एडमिशन है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से और वेकेशन बढ़ने की वजह से जो है हम एडमिशन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़े थोड़े पेरेंट्स को बुला करके 10-12 पेरेंट्स को बुला करके बच्चों की जो एडमिशन है वो फार्म भरवा करके उसको रेगुलराइज किया जाए।